बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव के देखिए टोटल 40 एमसीक्यू बताऊंगा जो सारे के सारे देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नहीं हुआ है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हर जगह मिलता रहे। इससे पहले भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आर्ट साइंस कॉमर्स सब कुछ बना हुआ है तो चैनल पर जाकर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हमारे पास देखिए पहला पैसेज दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कुछ पैसेज के कुछ सवाल दिए गए जिनमें पहला पैसेज हमारे पास है पेंगुइन्स के बारे में दिया हुआ। आप लोग जानते होंगे पेंगुइन्स एक बर्ड है दैट लिव्स इन कोल्डेस्ट पार्ट जो ठंडे इलाकों में रहती है। दे आर ब्लैक आपने ब्लैक कलर का देखा होगा उनके पेट के पास व्हाइट कलर का देखा होगा व्हाइट पैर होते हैं छोटे छोटे पंख्स होते हैं जिन्हें फ्लाइटलेस बर्ड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उड़ सक नहीं सकते हैं। दे मूव अक्रॉस द आइस बाय वैडलिंग स्लोली ऑन देयर फीट वो जानते हैं आप लोग एक पैर उठाता है एक पैर उठाता है इस तरह से चलता है बेसिकली विद देयर विंग्स आउट और इनके जो पंख होते हैं और ये इसको क्या कहते हैं स्टेबल रखते हैं मतलब गिरने नहीं देते। सरप्राइजिंग पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई इवन दे हैव विंग्स उनको मालूम होगा पेंगुइन्स के पास भले ही पंख होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते ड्यू टू द हैवी वेट उनकी भारी वजन के कारण उड़ भी नहीं सकते। सरप्राइजिंग पेंगुइन्स दे यूज देयर विंग्स टू बैलेंस अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं बैलेंस करने में ताकि वरना वो कह सकते हैं आइस में चल तो नहीं सकते। देयर बॉडीज आर ऑल्सो वेरी गुड एट कीपिंग द उनकी जो बॉडी उनको ठंडे इलाके में क्या रखती है गर्म रखती है। पेंगुइन्स आर वेरी गुड एट स्विमिंग पेंगुइन्स जो बहुत अच्छे स्विमिंग में बहुत अच्छे होते हैं एंड यूज देयर स्ट्रेंथ इन बॉडीज और अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हैं ताकि वो पानी में अच्छे से मूव कर सके। पेंगुइन्स नीड टू वेरी गुड स्विमर बिकॉज दे ईट मोस्टली फिश बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए पेंगुइन जो रहते हैं वो मछली खाते हैं और कुछ सील्स होते हैं उनको भी खा जाते हैं। व्हेन दे कैच देयर फूड दे सीधा बात है जब उन्हें फूड पकड़ते हैं मतलब सॉरी अपने जब भी लोग खाना खाते हैं तो पूरी तरह निकल देते हैं। दे आल्सो नीड टू स्ट्रॉन्ग देयर बॉडी स्ट्रॉन्ग बॉडी टू गेट अवे फ्रॉम सील्स एंड सार देखिए सील से ये लोग थोड़ा दूर रहते हैं बिकॉज सील्स और सार इन्हें ही खा जाते हैं इसलिए इन्हें थोड़ा उससे दूर रहते हैं। दे आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंगुइन बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं पेंगुइन के ये बताया गया शेप और साइज के आधार पर। वी ऑल नीड टू मेक श्योर ऑफ टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑयल स्पिल्स एंड ग्लोबल वार्मिंग कैन डिस्ट्रॉय द ऑयल हम जानते हैं अगर हम लोग इन सब का चीज ग्लोबल इलाज नहीं करेंगे तो पेंगुइन जहाँ रहते हैं ग्लेशियर में वो पिघल जाएंगे तो रहेंगे कभी हम ही लोग नहीं रह पाएंगे तो पेंगुइन कहाँ से रहेंगे ओवरऑल बात है ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ सवाल पूछे गए कि पेंगुइन्स रहते कहाँ आप बताइए कहाँ रहेंगे पेंगुइन क्या गर्मी वाले इलाकों में रहेंगे पेंगुइन तो पॉसिबल ही नहीं है भैया कहाँ रहेंगे कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहेंगे नहीं ठंडे इलाकों में पेंगुइन्स पाए जाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए मैं आपको एकदम नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ नॉट एज अ टीचर मैं आपको आपके लेवल के जो सहपाठी उन्हीं के लेवल में भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपसे बच्चों के एग्जाम में खुद ब खुद सवाल टिक करके आ जाए। पेंगुइन्स कहाँ रहेंगे बता दीजिए ठंडे इलाकों में रह सकते हैं ना। फिर अगला सवाल हमारे पास हाउ डू पेंगुइन मूव अक्रॉस द पेंगुइन जो आइस में चल पाते किस प्रकार बाय वेडलिंग क्या हो जाएगा बाय वेडलिंग ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब। और यहाँ अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं बाय वेडलिंग मतलब देखिए पेंगुइन जो चलते हैं धीरे धीरे पैर उठा के इधर उधर चलते हैं उससे वेडलिंग कहा जाता है। अगला पेंगुइन यूज देयर विंग्स टू पेंगुइन अपने विंग्स का पंख को इस्तेमाल करते क्यों ताकि वो खुद को बैलेंस रख सके स्थिर रख सके तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। फिर व्हाट डू पेंगुइन ईट हम लोग जानते हैं पेंगुइन क्या खाते हैं तो मछलियाँ खा जाते हैं ना इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। फिर विच एनिमल्स ईट पेंगुइन पेंगुइन को कौन खा जाता है तो हम पढ़ चुके हैं सील्स और सारी दोनों खा जाता है तो सी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी आर राइट ऑप्शन। पेंगुइन आर वेरी गुड एट पेंसिंग क्या बहुत अच्छे हैं स्विमिंग में डांसिंग में या फिर पैडलिंग में या फिर क्या करने तो पेंगुइन अच्छे होते हैं कि इसमें स्विमिंग में तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पैसेज सेक्शन आसानी से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कितना इजी पैसेज आपको पूछा जाता है आप लोग खुद ब खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास एक अनसीन पोएम दिया हुआ कुछ सवाल पूछे गए ऑन मदर्स डे वी कॉट अप फर्स्ट सो फुल ऑफ प्लान्स भी मदर डे के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारे प्लान्स है उन्हीं से लेकर जुड़ा हुआ कि वो फर्स्टली पहले ब्रेकफास्ट करेंगे सरप्राइज देंगे मदर डे का माता जी को फूल लाएंगे ठीक है सारे के सारे ये बातें यहाँ पर कॉफ़ी एक साथ पियेंगी जो भी बातें यहाँ बताई गई है और ये हमारे पास पूरा पोएम दिया हुआ आप देख सकते हैं। अब पोएम से जुड़े हुए देखिए अब आपको सवाल कुछ पूछे गए तो चलिए मैं आपको वहाँ कराने की कोशिश करूँगा। तो पहला ये कि व्हाट इज़ द ओकेजन मतलब किस अवसर की बात की जा रही है पोएम सेलिब्रेट तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर मदर्स डे की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इसका सही जवाब होगा। आप ही बताइए वो लोग क्या गाना चाहते हैं माता जी के लिए अपने मदर्स डे पे क्या गाना चाहेंगे बताइएगा। तो यहाँ पर पोएम के अकॉर्डिंग बताना है तो पोएम अगर आप लोग देखिएगा तो ये यहाँ लिखा हुआ है सेंगा सरेंड होता हुआ सरेंड मुझे कुछ नहीं मालूम क्या है ये तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है द सरप्राइज बॉटस देखिए उस सरप्राइज से देखिए किसकी आंखों में स्माइल सॉरी
किसके चेहरे पे स्माइल आएगा, तो किसकी आंखों पे होगा, माता जी की, यानी मदर्स फेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक राइमिंग वर्ड निकालना है कार्ड का पोएम से, तो कार्ड का देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको खुद आंखों से दिख रहा है हार्ड हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या, राइमिंग वर्ड मतलब सेम उच्चारण, बैक ब्लैक आइज तो हो नहीं सकता, हार्डी ऑप्शन बचता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारे पास देखिए वेयर ग्रामर से कुछ सवाल है, इस सारा का सारा, वेयर डू वी राइट द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, देखिए हम कोई भी रिपोर्ट का जो टाइटल लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, तो याद रखिएगा जो टाइटल लिखा जाता है वो सबसे पहले कहाँ, रिपोर्ट में कहाँ लिखते हैं, बॉटम में लिखा जाता है, देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द रिपोर्ट शुड बी, रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, तो रिपोर्ट देखिए निष्पक्ष होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, कंसाइज, ये सारे के सारे फीचर होने चाहिए इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द दिस सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय एंटोन चेकॉफ के द्वारा, देखिए कौन सा एंटोन चेकॉफ का लिखा हुआ है, ग्लोरी एट ट्वाइलाइट यहाँ लिखा गया है, या फिर बच्चों हमारे पास लंसियन, या फिर द रेमेंट, या फिर द रॉकिंग हाउस में, तो कौन सा लिखा गया है यहाँ पर बताना है हमें एंटोन चेकॉफ के द्वारा, तो उस कहानी का नाम क्या है, उसका नाम है द रेमेंट, ऑप्शन नंबर सी। फिर आयोना पोटाविव कौन है, तो आयोना पोटाविव याद रखिए कैब ड्राइवर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। देखिए आपको आवाज़ थोड़ा सा धीरे आ रहा होगा ड्यू टू द फीवर, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही फीवर है, फिर भी धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सभी बच्चों को एग्ज़ाम से पहले सारा कंटेंट आपको रेडी कर दिया जाए, ताकि आप सभी बच्चों को एग्ज़ाम में एक सवाल आपका नहीं छूटेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितना करा दे रहा हूँ ना, आपको फ्री में कोई कोर्स कोई परचेज नहीं करना पड़ेगा, आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, साइंस के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो, एक रद्दी भर भी आपको पैसा कहीं नहीं खर्च करना, मैं बता रहा हूँ फ्री में आपको यहाँ सारा का सारा 40 आप लोग टिक कर सकते हैं, तो बस आप लोग काम है बस देखते रहिएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिमाग नहीं लगाना है। फिर आयोना के देखिए सन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा आयोना के जो बेटे हैं उसका नाम क्या था, बैरिन था, ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, डी नंबर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब। फिर अगला है व्हाट डिड बैरिन डाई, देखिए बैरिन की जो मृत्यु हुई थी वो किससे हो गई थी याद रखिएगा, उसकी जो मृत्यु हुई थी याद रखिएगा हाई फीवर के कारण, बहुत ज़्यादा तेज बुखार थी इसका मृत्यु हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। फिर राजा महाराजा नवाब इंग्लिश आर्मी ये सब बेसिकली क्या करते थे, बड़े बड़े मॉन्स्टर रखते थे, क्या ग्रे रखते थे, टाइगर मॉन्स्टर या ब्लैक मॉन्स्टर, तो क्या होगा बच्चों इसका सही जवाब हमारे पास, इसका सही जवाब हो जाएगा लाइन मॉन्स्टर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सीप मॉन्स्टेज, जो सीप मॉन्स्टेज किसका होता था ये बताना हमें चैप्टर से पता चले, तो वो कुली जरूर रखते थे सीप मॉन्स्टेज, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेठ रमानंद कौन थे, हुई सेठ रमानंद, तो सेठ रमानंद देखिए क्या थे, ग्रॉसर थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका, सही ऑप्शन नंबर ए बोल रहा हूँ, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है चौधरी छोटू राम इज द डैश, चौधरी छोटू राम क्या था उस गांव का आपको बताना है, तो चैप्टर देखिए नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, याद रखिए उस जगह का लैंडलॉर्ड था मतलब जमींदार था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों आपसे पूछा हुआ है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर के देखिए चैप्टर का नाम मतलब सॉरी ऑथर का नाम क्या है, तो उसके नौकर याद रखिए डी एच लॉरेंस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाउ मैनी चिल्ड्रेन डिड द यहाँ पर ब्यूटीफुल पोएम जो हमारा पोएम है द रॉकिंग हॉर्स विनर, ठीक है इसमें कितने बच्चों को जिक्र यहाँ किया गया, तो याद रखिए यहाँ पर दो बच्चों को जिक्र किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। अगला है हु वाज बेसेट, तो बेसेट कौन है आपने पढ़ा होगा, तो ये गार्डनर था, जो जवान गार्डनर था वही था, एक यंग गार्डनर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है देखिए हमारे पास कुछ पोएम के कुछ पार्ट दिए गए हैं आपके बुक से दिया हुआ, कुछ सवाल यहाँ पूछे गए 24 से लेकर 26 नंबर तक, तो एक आपको पोएम दे दिया गया, फिर आपको पूछा हुआ यहाँ से फ्रॉम विच पोएम, देखिए इस पोएम का नाम बेसिकली क्या है हमको बताना है, तो इस पोएम का नाम क्या है द पीकॉक चैप्टर से ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर विच बर्ड इस पीकॉक चैप्टर में स्पैरो तो बोलेगा नहीं, पैरट तो बोलेगा नहीं, बताइए किसके बारे में बोलेगा, ऑब्वियसली बात है पीकॉक के बारे में बोलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही जवाब। वेयर इज द बर्ड, बर्ड कहाँ पर है, तो चैप्टर में देखिए बर्ड का जिक्र जो है वो पीपल ट्री पे बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स, ये जो पोएम है कि किस प्रकार का पोएम है, मेटाफिजिकल है, नेचर है, लव पोएम या फिर कोई भी नहीं है, तो देखिए ये किस प्रकार का पोएम है, तो एक लव पोएम है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा लव पोएम। फिर अगला है लव कंपेयर किया गया, देखिए लेट मी नॉट किससे कंपेयर किया गया, लाइट स्टार हाउस सो लाइट हाउस स्टार या दोनों से या फिर किसी से भी यहाँ पर सही नहीं है, तो यहाँ पर एक कंपेरिजन किससे किया गया, तो ये कंपेरिजन हुआ था तारों से यानी स्टार, ऑप्शन नंबर ए। जो पोएम है हमारे पास टेलीफोन का ये किन के द्वारा लिखा गया, तो हम लोग भली बातें जानते हैं उल स्विंगा के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि टेलीफोन कन्फर्मेशन एक कन्फर्मेशन सॉरी बच्चों कन्वर्सेशन बातचीत है किनके किनके बीच में। तो ये जो बातचीत है वो एक नेग्रो और एक वाइट लेडी के बीच की जो बात है उसे कहा जाता है टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। द ऑथर वॉच्ड वर्क स्ट्रीम, देखिए ऑथर जो है लगातार कितने सालों तक काम करता है कितने महीनों तक ये बताना है, तो वो लगभग काम किया था 18 मंथ। और तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है आपको बताना है द ऑथर जो हमारे पास मार्क ट्वेन वो एक बैंक थे बहुत बार वॉचमेकर पास आ गए थे कितने बार रहते थे 12, 15 देखिए 20 या फिर 10 बार, तो कितने बार आए थे वो हम बताना है, तो आए थे लगभग कम से कम 10 बार। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर एज पर द ऑथर गेव हिज वॉच, देखिए उसने सबसे पहले वॉच को किसे रिपेयर करने के लिए दिया था यह बताना है, तो उसने किसने रिपेयर किया ज्वेलर को दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द एसे माय थ्री पर्सन्स का, देखिए एसे का चैप्टर का इसके ऑथर का नाम बताना है, तो हम लोग तो बच्चा जानता है इसका ऑथर का नाम क्या है बैटन रसल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ बच्चों यहाँ पर कि द फर्स्ट पर्सन, और देखिए ऑथर का जो फर्स्ट पर्सन था वो क्या था, तो हम लोग जानते हैं उसका फर्स्ट पर्सन लव था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब। फिर किस ट्राइबल सोसाइटी वो बायलिंगुअल है मतलब दोनों ही भाषा आता है हिंदी और इंग्लिश बताना है, तो कहते उस जनजाति का नाम क्या है ट्राइबल को भी आता है कौन को भी आता आदि को भी आता, तो सभी सही है इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि संथाल ट्राइब कहाँ रहते हैं, हम लोग भली बातें जानते हैं झारखंड में हमारे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर शुड वर्ल्ड गवर्नमेंट गेट इन्वॉल्व, देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या इन्वॉल्व है क्लाइमेट चेंज में, क्या एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे किस प्रकार का, देखिए ऐसे ये बताना है, तो एक प्रकार का आर्गुमेंटेटिव ऐसे यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ देखिए यहाँ पर कि डैश इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डील्स विद द सब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्सनल फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो रिपोर्ट होगा ऐसे होगा नोटिस होगा लेटर होगा, तो क्या होगा बच्चों सही जवाब इसका हो जाएगा NSA ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एन एसे, कौन सा एसे राइटिंग कंपोनेंट नहीं है बताना है, इंट्रोडक्शन या फिर बॉडी, और बॉडी लिखा गया ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन थैंक्स ही तो है जो पार्ट नहीं होता किसका एसे राइटिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही जवाब होगा। और इसी प्रकार देखिए हमारे 40 क्वेश्चन के MCQ सीरीज है वो खत्म होता है, आशा करूँगा वीडियो पसंद आया हो, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, यही सबसे बड़ी मेरे लिए खुशखबरी आप कह सकते हैं अच्छी बात होगी, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।